नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका ज्ञान न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ श्रुति। डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा नदी बचाओ पैदल यात्रा निकाली जा रही है। नदी बचाओ यात्रा का आज चौथा दिन है, जिसमें आज जल पुरुष के नाम से विश्व विख्यात राजेंद्र सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, कांग्रेस प्रवक्ता के दीक्षित, मोहन प्रकाश सहित कई दिग्गज शामिल हुए। राजेंद्र सिंह जल पुरुष के भाजपा मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने नदी से उत्खनन बंद करवाया था और भाजपा के समय में फिर चालू हो गया। देखिए रिपोर्ट। शुरू हो गया, हर नदी गंगा माँ है और मैं नदियों में अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। और कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ पद यात्रा की तारीफ की। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि भिंड जिले में रेत का अवैध उत्खनन जोरों से हो रहा है, सिंध नदी को खोखला किया जा रहा है, इसलिए नदियों को बचाने के लिए हम यह 128 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली है। इस यात्रा में हम लोगों का आम आदमी की तरफ से जगह जगह स्वागत हो रहा है और जो हमारी पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। दोस्तों, पिछली सरकारों में हम लोगों ने नदियों में खनन बंद कराने का पूरे देश में कानून बनवाया, नोटिफिकेशन हुआ। ये सरकार जैसे ही आई, उन्होंने सबसे पहले नदियों का खनन खोल दिया। इसका मतलब क्या, नदियों का खनन क्यों खोला? क्योंकि नदियों के खनन में गरीब आदमी नहीं लग सकता, नदियों के खनन में गरीब को लाभ होने वाला नहीं है, तो किसको होने वाला है? बड़े लोगों को होने वाला है। उसको यदि सही शब्दों में कहें तो माफिया को होने वाला है। मुझे माफिया बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने बोला नहीं, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, जो कैप्चर करना जानते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं। आप अपने सुझाव हमें जरूर बताएं।